हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का सेंटे सर मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। मैं सुनील कुमार सेंडे, असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल कॉलेज मंडारा। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट थ्योरम ले रहे हैं जो डिपेंड है सब स्पेस के ऊपर। तो थ्योरम देखते कौन सा है। Prove that the intersection of two subspaces of a vector space is a subspace. बहुत ही सिंपल थ्योरम है। थ्योरम का स्टेटमेंट देख लो पहले। यहाँ पर दो सबस्पेस दिया हुआ है, टू सबस्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस, और उन दोनों का जो इंटरसेक्शन है उनको हमें क्या प्रूव करना है, सबस्पेस। तो हम क्या करने वाले हैं, दो सबस्पेस कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। इसको नाम दे देंगे यू और डब्लू, और दोनों के दोनों सब स्पेस रहेंगे किसके, वेक्टर स्पेस वी के ओवर द फील्ड एफ, और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, ये वाला जो एरिया है ना, इसको भी क्या बताना है आपको, सब स्पेस प्रूव करना है, ठीक है। मतलब दो सब स्पेस का इंटरसेक्शन भी क्या होता है, सब स्पेस होता है, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूफ, सपोज दैट यू एंड डब्ल्यू आर द सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस वी ओवर द फील्ड एफ, and we have to prove that U intersection W is a subspace of P over the field F, ठीक है। तो ये सेट आपका U हो गया, ये हो गया W, both are the subspace over the field over the field F of vector space V, और उनका जो intersection है ये वाला area, common area, that is U intersection W, इसको हमें क्या बताना है, subspace बताना है। अब यहाँ पे सब स्पेस बताना है मतलब इट्स वेक्टर स्पेस प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम पूरी वेक्टर स्पेस की जो डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, उसको सेटिस्फाई करेंगे तो पूरी 10 प्रॉपर्टीज हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो मैंने सब स्पेस के वीडियो में बताया था आपको कि जब भी हम सब स्पेस प्रूव करेंगे तो हम थेरम का यूज करेंगे। तो मैंने उसमें सब स्पेस की डेफिनेशन थेरम और कॉर्नरी लिया था, है ना। तो वहाँ पे हम लोग ने कॉर्नरी पढ़े थे थेरम के बाद में। जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो मुझे डिस्क्रिप्शन में जाके वो सब स्पेस वाला वीडियो देख सकते हैं। वहां पे मैंने एक थ्योरम और कॉर्नरी लिया था, पूरा डिटेल उनका प्रूफ बताया था, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। एक्चुअली उस कॉर्नरी में क्या था कि अगर से यू आपका सब स्पेस है, यू अगर से आपका क्या है, सब स्पेस है, यू इज अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस वी ओवर द फील्ड एफ, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू यू प्लस बीटा इंटू वी बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस यू, फॉर एवरी यू एंड वी वेक्टर्स बिलोंग्स टू यू एंड अल्फा एंड बीटा स्केलर्स बिलोंग्स टू फील्ड, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट था, और इफ एंड ओनली था, अगर से अल्फा इंटू यू प्लस बीटा इंटू वी बिलोंग्स टू यू होता है तो आप वहां से क्या लिख सकते हैं, सब स्पेस। तो हमें यहाँ पे सब स्पेस बताना, मतलब सेकंड पार्ट का यूज करेंगे, मतलब हम लोग क्या प्रूफ करेंगे कि अल्फा इंटू यू बिलोंग्स प्लस बीटा इंटू वी, और बिलोंग्स टू यू नहीं, हमारे पास किसको बताना है, यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू को बताना है। तो यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू के अंदर ये हम लोग क्या करेंगे, ये कॉम्बिनेशन को ले जाएंगे, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं। जब हम लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा अल्फा इंटू यू प्लस बीटा इंटू वी बिलोंग्स टू कहाँ दिखाना पड़ेगा, यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ जब दिखाएंगे तो एलिमेंट आपको कहाँ से लेना है, यू और बी जो वेक्टर ले रहे हैं, यू और बी जो वेक्टर है वो कहाँ से लेना है, यू सेट से। तो यू नहीं रहेगा, हमारा सेट क्या रहेगा यहाँ पे, यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू से हम एज्यूम करेंगे वेक्टर्स यू और वी, ठीक है। और स्केलर्स तो आपके कहाँ से रहेंगे, फील्ड से। और ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है अल्फा इंटू यू प्लस बीटा इंटू वी, इसको कहाँ दिखा देना है आपको, यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू में। अगर से हम ऐसा कर पाते हैं तो यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू जो है आपका क्या हो जाएगा, सब स्पेस। तो बहुत ही सिंपल थ्योरम है, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको प्रूफ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्लियरली यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस वी ओवर द फील्ड। जब भी आपको सब स्पेस प्रूव करना है तो पहले उसको नॉन एम्प्टी बता देना, और नॉन एम्प्टी होगा ही क्योंकि यू एंड डब्ल्यू दोनों सब स्पेस है, इसका मतलब दोनों के दोनों सेट क्या है आपके, नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी मतलब एटलीस्ट वन एलिमेंट तो यू और डब्ल्यू के पास है ही। तो दोनों का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे हम तो दोनों उनका कॉमन एलिमेंट एटलीस्ट कहाँ जाएगा, यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू में जाएगा ही, ठीक है। और वो एलिमेंट आपका कॉमन होना चाहिए क्योंकि इंटरसेक्शन में जाना है। तो दोनों अगर से आपके ग्रुप है ना, सब स्पेस है तो ग्रुप है ही, तो ग्रुप है अंडर द एडिशन, तो इसके पास भी जीरो आइडेंटिटी होगी और डब्ल्यू के पास भी जीरो आइडेंटिटी होगी, ठीक है। अदर एलिमेंट्स अगर से डिफरेंट हो गए भी, लेकिन जीरो तो कॉमन ही ना दोनों के पास में, तो यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू में जीरो जाएगा, मतलब एटलीस्ट वन एलिमेंट जीरो तो इसमें इंटरसेक्शन में रहने ही वाला है। इसलिए मैंने यहाँ से लिख दिया क्लियरली यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट, ठीक है। अदर वेक्टर्स अगर से डिफरेंट भी रहे तो, लेकिन जीरो तो क्या है,
क्योंकि दोनों सब स्पेस है, तो ग्रुप तो है ही, और ग्रुप अंडर द ग्रुप जीरो आइडेंटिटी उन दोनों के पास रहना ही है। तो लेट फॉर एवरी यू एंड वी, जैसे मैंने भी बताया था कि हमको यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू, यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू को सब स्पेस बताना है, तो हम वहां से एलिमेंट लेंगे, वेक्टर्स यू और वी हमने डिफाइन कर लिए एलिमेंट यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू से, और स्केलर बिलोंग्स टू फिट, दैट इज अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो एज यू एंड वी बिलोंग्स टू यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू, अब ये जो एलिमेंट है ना, यू और वी कहाँ से ले रहे हैं हम लोग, इंटरसेक्शन से ले रहे हैं। इंटरसेक्शन मीन्स ये आपका यू सेट, ठीक है, और ये आपका डब्ल्यू, और ये वाला जो एरिया है ना, ये दैट इज अ इंटरसेक्शन, यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू। तो इस इंटरसेक्शन से हमने एलिमेंट ले लिए कौन से, U और V, तो U और V इंटरसेक्शन में, इसका मतलब वो U में भी है और W में भी, दोनों में जाएगा ना U और V, क्योंकि इंटरसेक्शन का एलिमेंट है, इंटरसेक्शन का एलिमेंट मतलब कॉमन एलिमेंट है दोनों सेट के लिए। तो यहाँ से इंप्लाइज दैट U एंड V बिलोंग्स टू U और U एंड V बिलोंग्स टू W। ओके, आगे, बट यू एंड डब्ल्यू आर द सब स्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस V और द फील्ड V। हमारे पास क्वेश्चन में जो U और V W है वो क्या है, सब स्पेस गिवन है, सब स्पेस गिवन है मतलब इटसेल्फ वेक्टर स्पेस है, तो हम उसकी प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। तो बाय थ्योरम, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले मैंने जो थ्योरम बताया था वो थ्योरम का यूज करेंगे। तो U और W सब स्पेस है, इसका मतलब हम थ्योरम से क्या लिख सकते हैं कि अल्फा इंटू यू प्लस बीटा इंटू वी बिलोंग्स टू यू एंड अल्फा इंटू यू प्लस बीटा इंटू वी ऑल्सो बिलोंग्स टू W, क्योंकि दोनों U में भी जाएगा W में भी जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, सब स्पेस है। और यहाँ पे यू और वी जो एलिमेंट है, यू और वी जो एलिमेंट है वो यू का है और यू और वी एलिमेंट डब्ल्यू का है, तो ये कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन ये है कि लीनियर कॉम्बिनेशन अगर से आपको सेट में डालते समय आपको याद क्या रखना है कि जो वेक्टर्स है वो इस सेट का एलिमेंट होना चाहिए, और अल्फा बीटा कहाँ का एलिमेंट होना चाहिए, फील्ड का, तो फील्ड का फिक्स ही है कॉन्स्टेंट, और वेक्टर जो है वो कहाँ का होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग सेट का होना चाहिए, अल्फा इंटू यू प्लस बीटा इंटू वी। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन कहाँ चले गया, यू और डब्ल्यू में, क्यों चले गया, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, सब स्पेस। ओके, अब ये दोनों में है, यू में भी है और डब्ल्यू में भी है, फिर वही बात कि अल्फा इंटू यू प्लस बीटा इंटू वी बिलोंग्स टू यू आल्सो बिलोंग्स टू डब्ल्यू, मतलब दोनों सेट का क्या हो गया, ये कॉमन एलिमेंट हो गया, कॉमन एलिमेंट है, इसका मतलब ये एलिमेंट कहाँ चले जाएगा, यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू में, है ना। इम्प्लाइज दैट अल्फा इंटू यू प्लस बीटा इंटू वी बिलोंग्स टू यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू। ठीक है, तो दस फॉर एवरी हमने स्टार्ट किए थे, कहाँ से स्टार्ट किए थे हम लोगों ने, यहाँ से स्टार्ट किए थे कि यू वी बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन, यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड, ये यहाँ से स्टार्ट किए। ठीक है, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड, और हमने शो कर दिए कि अल्फा इंटू यू प्लस बीटा इंटू वी बिलोंग्स टू यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू। ठीक है, ये हमने शो कर दिए, अल्फा इंटू यू प्लस बीटा इंटू वी बिलोंग्स टू यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू। तो बाय थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं कि यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू इज अ सब स्पेस, यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू इज अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस वी ओवर द फील्ड एफ। तो देखो कितना थ्योरम का यूज करो, एक और वाली का यूज करो, तो बहुत आसानी से हम लोग किसी भी सेट को सब स्पेस बता सकते हैं एलिमेंट कंसिडर करके। तो आपको इसी मेथड से अगर कभी कोई भी एग्जांपल को सब स्पेस प्रूव करने बोला, तो आप बस ऐसे ही लो, उसमें से दो एलिमेंट ले लो, स्केलर फिलमेंट से ले लो, और उनका जो कॉम्बिनेशन है, ये वाला कॉम्बिनेशन अल्फा इंटू यू प्लस बीटा इंटू वी, ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को उस सेट में ले जा दो जिस सेट को अपने को क्या प्रूव करना है, सब स्पेस। बस कंडीशन ये है कि यू और वी दोनों वेक्टर वहां के एलिमेंट होना चाहिए और अल्फा बीटा क्या होना चाहिए, इस फील्ड के स्केलर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आई होप कि आपको ये थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो या कोई स्टेप नहीं समझ होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, तो चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नए वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ओके, थैंक यू।